फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपको वेज हक्का नूडल्स बनाकर दिखाऊंगी। जिस तरह से मैं इसको बनाऊंगी, ये बहुत ही लाजवाब और जायकेदार बनके तैयार होगी। चार हक्का नूडल्स के बंडल्स लिए हैं और ये मसाला है। ये मसाला हक्का नूडल्स के साथ भी आता है। अगर साथ में ना मिले तो इसको हम अलग से मार्केट से भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं नूडल्स को बॉइल कर लेती हूँ। नूडल्स उबालने के लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं एक टेबल स्पून ऑयल डाल देती हूँ, हाफ टी स्पून नमक डाल देती हूँ। उनको मिक्स कर लूँगी। फिर इस पानी में अब उबाल आने दूँगी। पानी उबलने लगा है, अब इसमें मैं ये नूडल्स डाल देती हूँ। इन नूडल्स को तोड़ना नहीं है, ऐसे ही डालना है। अब इन नूडल्स को मैं उबलने दूंगी। इनको ज़्यादा नहीं उबालना है, क्योंकि जब हम इसको सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे तो ये अच्छी खिली खिली बने रहें। अगर इनको हम पहले से ही ज़्यादा उबाल लेंगे तो ये बिल्कुल सब्जियों के साथ हलवा हो जाएगी। अब इन नूडल्स को मैं उबलने देती हूँ। थोड़ी देर के बाद स्पून की हेल्प से इनको हिलाकर अलग अलग कर लूँगी। अब इनको मैं अलग कर लेती हूँ। बीच में एक बार इनको मैं पलट लूँगी। देखिए नूडल्स उबल चुके हैं। इस तरह से जब इनको दबाएंगे तो ये टूट रहे हैं आसानी से। अब मैं गैस की जब को ऑफ कर देती हूँ। इन नूडल्स को मैंने 6-7 मिनट उबाला है। अब इसका पानी निथार देती हूँ मैं। इस तरह से एक छलनी की हेल्प लेके इसका हम पानी निकाल लेंगे। थोड़ी थोड़ी करके नूडल्स छान लेंगे। अगर बड़ी छलनी है तो एक साथ भी पूरे नूडल्स छान सकते हैं। उसको मैं प्लेट में रखते जाऊँगी। गैस ऑन करके उस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इस कढ़ाई में मैं 3 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। मैं थोड़े ज़्यादा नूडल्स बना रही हूँ इसलिए तेल ज़्यादा लिया है। अगर आप कम नूडल्स बना रहे हैं तो उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस तेल को मैं पूरी तरह गर्म होने दूंगी। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून राई डाल देती हूँ। कुछ सेकेंड के बाद इसमें 6-7 सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। कुछ सेकेंड इनको फ्राई करने के बाद मैं इसमें कटी हुई प्याज डाल देती हूँ। 2 बिग साइज की प्याज मैंने ली थी। इनको रफली काट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं काटती हूँ। अब इस प्याज को मैं 1 मिनट फ्राई करूँगी। 1 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद 1 शिमला मिर्ची, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। 2 आलू, इनको इस तरह से काट लिया है, ये डाल देती हूँ। सामानों को ज़्यादा बारीक नहीं काटना है और ना ही सामानों को ज़्यादा फ्राई करना है। आलू और शिमला मिर्च डालने के साथ ही मैं इसमें 200 ग्राम पत्ता गोभी दिया था, इसको इस तरह से मैंने रख लिया, काट लिया है। 6-7 हरी मिर्ची, इसको इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस कर लिए हैं, ये भी डाल देती हूँ। सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इनको हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। सब्जियाँ फ्राई करते समय ही मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इनको मिक्स कर लूँगी। जब तक मेरे को मीडियम रखा है तो इनको चलाते हुए हमें हल्का हल्का फ्राई करना है, जिससे सब्जियाँ हल्की सी पक जाएंगी। सब्जियाँ हल्की सी पक चुकी हैं। अब इसमें मुझे टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर को भी मैंने रफली काट लिया है। 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के। टमाटर मैंने लास्ट में डालेंगे क्योंकि टमाटर थोड़ा जल्दी पक जाते हैं। अब 1 मिनट और मैं टमाटरों को साथ इन सब्जियों को फ्राई करूँगी। सब्जियाँ हल्की हल्की फ्राई हो चुकी हैं। सारी सब्जियों को मैंने 5 मिनट फ्राई किया है। उबले हुए नूडल्स डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम को हल्का सा मीडियम कर लूँगी। 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देती हूँ। 3 टेबल स्पून के लगभग टमाटो केचप है, वो भी डाल देती हूँ। और जो नूडल्स मसाला था वो भी इसके ऊपर डाल देती हूँ मैं। चारों तरफ फैलाते हुए डालें। अब सारी सब्जियों को और नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट हम और पकाएंगे। सब्जियों को नूडल्स में अच्छे से मिक्स करना है। सारे नूडल्स अच्छे से मिल चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को हाई करके इनको 1 मिनट और पकाऊंगी। अब इसमें मैं
थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देती हूँ। धनिया पत्ती इसमें आप जरूर डालें, इससे नूडल्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। धनिया पत्ती को भी डालकर मिक्स कर लूँगी और नूडल्स लगभग पक चुकी है, बस धनिया पत्ती मिक्स होते ही मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। नूडल्स बनके तैयार हैं। आप भी इस तरह से नूडल्स जरूर बनाइए, आपके नूडल्स भी एकदम बाजार में मिलने वाले नूडल्स जैसे बनके तैयार होंगे, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अच्छे बनेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।